ने मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने के लिए पंजाब सरकार को 2 हफ्ते का वक्त दिया है, लेकिन इसी बीच मुख्तार अंसारी के परिवार को उसकी जान का डर सताने लगा है। मुख्तार की पत्नी अशफांस अंसारी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखी है, जिसमें अफशां ने मुख्तार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है। अफशां ने मुख्तार के पंजाब से यूपी लाए जाने के दौरान सुरक्षा को लेकर सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है। अफशां ने आशंका जताई है कि पंजाब से बांदा लाते वक्त फर्जी मुठभेड़ दिखाकर कहीं मुख्तार की हत्या ना की जाए। तो मुख्तार को लेकर मुख्तार की पत्नी ने राष्ट्रपति को एक खत लिखा है, जहां पर डर सता रहा है कि कहीं पंजाब से बांदा लाते वक्त फर्जी एनकाउंटर या मुठभेड़ जैसी घटना ना हो जाए, इसके लिए सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो यह गुहार लगाई है अफशां अंसारी ने। वहीं मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई करने वाले पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह को राहत दी गई है। शैलेंद्र सिंह ने 2004 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ पोटा के तहत कार्रवाई की थी। अब पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह के खिलाफ यूपी सरकार केस वापस लेगी। आपको बता दें कि शैलेंद्र सिंह ने 2004 में उस वक्त लाइट मशीन गन को बरामद किया था, जिसे हत्या के लिए मुख्तार ने एक गुर्गे के जरिए सेना से चुराया था, और शैलेंद्र सिंह ने तब मुख्तार पर पोटा लगाया था। हालांकि इसके बाद तत्कालीन सरकार ने शैलेंद्र सिंह से इस्तीफा ले लिया था और उनके ऊपर मुकदमा भी लिख दिया गया था। मुख्तार अंसारी की पंजाब से यूपी वापसी को लेकर चल रही सरगर्मियों के बीच आज एक बार फिर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा कि मुख्तार अंसारी को यूपी लाने के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त होने चाहिए। हमें अपने देश के संविधान पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ज्यादा जिम्मेदारी है, हमसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि उसके आदेश के आधार पर जिस विचाराधीन बंदी को ले जाया जा रहा है उसके साथ कोई अनहोनी न हो। देश में रूल ऑफ लॉ है। एक आशंका तो सबको है, लेकिन अगर देश में रूल ऑफ लॉ है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिस विषय पर डिस्कशन के बाद निर्णय लिया गया है कि ये जेल ट्रांसफर किया जाए रोपड़ पंजाब से उत्तर प्रदेश के बांदा को, और इस बीच में जो दिखाया जा रहा टीवी पे कि गाड़ी पलटेगी और फिर जेसीबी आके गाड़ी उठाएगी, तो ये तो फिल्म को रंगीन बनाने की अगर कोशिश है तो कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुजुर्ग और विपन्न लोक कलाकारों को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी की कोशिशों से इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार की ओर से 65 कलाकारों को ना सिर्फ हर महीने 4,000 रुपए पेंशन मिलेगी, बल्कि उन्हें एक और आश्रितों को 1 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर की भी मंजूरी दी गई है। इतना ही नहीं, साल के आखिर तक प्रदेश में ऐसे 2,000 और कलाकारों को पेंशन और बीमा का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लोक कला और लोक कलाकारों के उत्थान को लेकर प्रेम ये किसी से छिपा नहीं है। इसी के मद्देनजर लोक कला और लोक कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार प्रदेश स्तर पर कई योजनाएं संचालित कर रही है। यूपी में 15 अप्रैल से पंचायत चुनाव की शुरुआत हो रही है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीएम को एक पत्र लिखा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी को लेकर यह पत्र भेजा है, जिसमें लिखा गया है कि अगर पति पत्नी सरकारी नौकरी में है तो बच्चों की देखभाल के लिए किसी एक को ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा। कल यानी 1 अप्रैल से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो जाएगी। इसे लेकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुद्रित गर्ग ने बताया कि 8,500 करोड़ में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है। सराय काले खां से डासना तक के 14 लेन की ये सड़क है, साथ ही डासना से मेरठ तक की 6 लेन इसे बनाई गई है। तो कुल मिला के कल से शुरू हो जाएगी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जिसके फायदे बहुत सारे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम लोगों को राहत मिलेगी दिल्ली से मेरठ जाने वाले के लिए, चाहे उत्तराखंड जाने वालों को भी एक बड़ी राहत इस एक्सप्रेसवे से।
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की औपचारिक शुरुआत कल से होने जा रही है। कल से गाड़ियां इसमें फर्राटा भर सकेंगी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुदित गर्ग जी। सर, क्या कल शुरुआत होने जा रही है और किस तरीके से ये एक्सप्रेसवे बना है और क्या क्या आप लोगों ने इसमें विशेषताएं रखी? ये बड़ा लोगों का काफ़ी अवेट कर रहे थे इस चीज़ का, इस एक्सप्रेस वे खोलने का इंतजार कर रहे थे और कल हम इसको पब्लिक के लिए खोल देंगे और ये प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो गया है। इसमें 14 लेन का फर्स्ट टाइम ये एक्सप्रेस वे बना है और यूपी गेट से सरायकाले का एंड यूपी गेट से डासना, ये 14 लेन का है। डासना से मेरठ 6 लेन का है। इसमें ENPR सिस्टम हमने रखा है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर, जिससे टोल का कलेक्शन जो हम लोग करेंगे बिना किसी को रोके हुए कलेक्शन करेंगे और वो किसी भी स्पीड पे मूव करेगा तो भी हम उसका टोल कलेक्ट कर लेंगे, कहीं उसको खड़ा नहीं होना पड़ेगा। क्या जिन गाड़ियों में फास्ट टैग होगा उन्हीं का टोल कलेक्शन होगा या जिनके अंदर फास्ट टैग नहीं होगा उनका टोल कलेक्शन कैसे होगा? जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर है ये हमारे को कैमरे इसकी नंबर प्लेट को कैप्चर करेंगे, ये नंबर प्लेट फास्ट टैग से लिंक होगी और फास्ट टैग के माध्यम से हम लोग उसका टोल कलेक्ट करेंगे। जिन गाड़ियों में फास्ट टैग नहीं होगा उसकी मिनिस्ट्री गाइडलाइन है ऑलरेडी कि सभी गाड़ियां फास्ट टैग हो जाएं, उन पर हम डबल टोल वसूलेंगे, पूरी स्ट्रेस का टोल लेंगे और इसको ई चालान के माध्यम से वसूलेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये हैं NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुदित गर्ग, जिनका बताना है कि कल से NH9 जो कि मेरठ से दिल्ली एक्सप्रेसवे होगा वो पूरी तरीके से जनता को समर्पित हो जाएगा और तमाम सारी गाड़ियां इसमें फर्राटा भर सकेंगी। कमिश्नर वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, यूपी गंगा, दिल्ली। और यूपी में कल से गेहूं की खरीद शुरू होगी। इसके लिए अभी तक 1,66,636 किसानों ने पंजीकरण कराया है। गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी। गेहूं खरीद के लिए प्रदेश में 2304 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। गेहूं खरीद 1975 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें गेहूं खरीद की तैयारियों पर समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1 अप्रैल से शुरू हो रही गेहूं खरीद की सभी व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करें, साथ ही MSP के तहत गेहूं खरीद का काम सुचारू ढंग से संचालित किया जाए। गाजियाबाद में 5,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने दूसरी खुराक छोड़ दी है। जी हाँ, 30,000 चिन्हित कर्मचारियों में से केवल 13,720 ने ही पहली खुराक ली, जिसमें से दूसरी खुराक के लिए 7,062 लाभार्थी ही केंद्र पर दूसरी खुराक लेने पहुंचे। कोरोना टीकाकरण में सबसे कम प्रतिशत अभी फ्रंटलाइन वर्कर्स का ही है। जिले में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण का पहला चरण शुरू हुआ था जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को शामिल किया गया। इसके बाद 5 मार्च से फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए दूसरा चरण शुरू किया गया जिसमें प्रशासन, पुलिस विभाग, विद्युत निगम, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, सिविल डिफेंस और लॉकडाउन में लोगों की सेवा करने में जुटे लोगों को शामिल किया गया। में ये बात थी जब पहली डोज देने की बात आई थी तो कुछ मिसकम्युनिकेशन थे उनके स्तर पे कि इस डोज से जो वैक्सीन है उससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन सभी जो इनके जो टीम लीडर्स हैं उन लोगों से बातचीत करके उस प्रोसेस को हम लोगों ने इनिशिएट कराया था। आज की डेट में 4600 के आसपास हमारे लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं, उसमें 3,500 लोगों को फर्स्ट वैक्सीनेशन जो है लग चुका है। दूसरी वैक्सीनेशन जो है पहले 4 हफ्ते में रिपीट करने के लिए कहा गया था, लेकिन बाद में जो VC में बात हुई तो डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया है कि उसको 6 वीक के बाद ही लगाया जाए। और यूपी में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 1230 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या पहुंच गई है 9,848। 24 घंटे में 534 लोग ठीक हुए हैं। लखनऊ में 24 घंटे में 361 नए मामले मिले हैं। तो कोरोना के लिए ये आंकड़े डराने के लिए काफी हैं। जहां किस तरह से ये दूसरी वेव पांव पसारते कोरोना के आंकड़ों को दिखाती है, देखिए और समझिए। जहां 30 और 31 तारीख के बीच केसेस की संख्या और वही 29 मार्च भी केसेस की संख्या आप देखिए। आगरा में आज अभिषेक बच्चन की फिल्म की शूटिंग पर रोक लगा दी गई। अभिषेक बच्चन और अभिनेत्री यामी गौतम इन दिनों आगरा के अलग अलग लोकेशंस पर शूट के लिए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से मंजूरी नहीं लेने और कोरोना काल में नियमों की अनदेखी करने की वजह बताते हुए फिल्म की शूटिंग पर आज रोक लगा दी गई। आगरा के ADM प्रोटोकॉल का कहना था कि फिल्म की शूटिंग के लिए अभी अनुमति नहीं ली गई थी। हालांकि ADM पुष्पराज सिंह ने कैमरे के पीछे कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आगरा का सर्किट हाउस वो जगह है जहां लगातार
VVIPs ठहरते हैं, तमाम जो मुख्य लोग हैं, जो तमाम नेता लोग हैं, तमाम ऑफिसर्स हैं, यहाँ आकर उनके तमाम वो मीटिंग लेते हैं, सरकार के नुमाइंदे आते हैं वहाँ, यहाँ आकर तमाम लोगों के साथ मीटिंग लेते हैं। और ऐसे में सर्किट हाउस में जो दसवीं मूवी की जो पूरी प्रोडक्शन टीम है, उन्होंने अपना सेटअप लगा रखा था बिना इजाज़त के, बिना परमिशन के, और अब अनुमति ना देने की वजह से ये लोग अपना सामान पैक कर रहे हैं। और ऐसे में प्रशासन ने साफ कह दिया है शूटिंग जो हो रही है कि आप आगरा में वहीं शूटिंग कर सकेंगे जहां आप पहले से अनुमति ले पाएंगे। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। उधर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का बड़ा बयान सामने आया है। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि प्रदेश में मुगलों अंग्रेजों के नाम पर रखी गई सड़कों के नाम बदले जाएं, आजादी के बाद भी सड़कों के नाम मुगलों और अंग्रेजों के नाम पर क्यों रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि मुगलों के नाम की सड़कों को देखने से तकलीफ होती है। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि सड़कों का नाम बदलकर महापुरुषों के नाम पर रखा जाए। जाओ तो तुगलक रोड, बाबर रोड, क्या मतलब भाई, इन लोगों के नाम से रोड क्यों रखी जा रही है। या देश किसी कोने में जाओ, किसी शहर में जाओ, तो आज़ादी से पहले जिन लोगों ने देश साथ गद्दारी की है, जिन लोगों ने देश को बांटा है, उनको नाम से हम रोड क्यों रखें। जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया है, जिन्होंने अपने देश के लिए पूरा जीवन जेल में रहे, उनके नाम रोड क्यों नहीं। तो दिल्ली में देखता हूँ कि बाबर रोड, तुगलक रोड, इमाऊ रोड और तमाम निर्देश देखते हैं। तो हमारी मांग ये है केंद्र सरकार से, इन लोगों के नाम हटा करके चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजाईनाल नंदा, तमाम ऐसे हमारे इतिहास पुरुष हैं, वीर अब्दुल हमीद, इन सब के नाम रखना चाहिए। यूपी में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब कुछ दिन बाकी हैं। ऐसे में प्रधान प्रत्याशी प्रचार में अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। इसी बीच लखनऊ के मलिहाबाद में पंचायत चुनाव को लेकर बवाल हो गया, जिसमें कई लोग घायल हुए। ये रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव से पहले खून खराबा, दो पक्षों में जमकर चले पत्थर, बीच सड़क घंटों होता रहा बवाल, राजधानी में खूनी संग्राम से दहशत, दहशत की ये तस्वीरें देखिए, जहां लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे लोग एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीरें लखनऊ की। बीच सड़क हो रहे तांडव की ये डरावनी तस्वीरें पंचायत चुनाव को लेकर बवाल की। जहां मलिहाबाद के ककरहिया खेड़ा गांव में मामूली बात को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते भयावह मंजर हो गया। संवेदनशील इलाके में घंटों पथराव और बवाल होता रहा, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हैरानी की बात यह है कि बाद में पुलिस ने पीड़िता महिला को ही हिरासत में ले लिया। बहरहाल यूपी में 15 अप्रैल से पंचायत चुनाव है। प्रधान प्रत्याशी प्रचार में अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं और एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी के सामने होने पर इस बीच इस तरह की घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में पुलिस को सतर्क होकर अपनी जिम्मेदारी का पालन कराना बहुत जरूरी है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक की रिपोर्ट। उधर कन्नौज में समाजवादी पार्टी और कार्यकर्ताओं की उस वक्त नोकझोंक हो गई जब टीम एक होटल को ध्वस्त करने पहुंची थी। सपा का आरोप है कि कोर्ट में मुकदमा अभी स्टे पर है, बावजूद इसके प्रशासन कार्रवाई करने आ पहुंचा, जिसकी कोई सूचना भी नहीं दी गई। हालांकि एसडीएम अभी एक दिन पहले मोहलत दी गई थी, इस बारे में चर्चा थी, बावजूद इसके नोकझोंक की तस्वीरें आई।
मेरठ में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी ने सख्त एक्शन लिया है। चकबंदी में अनियमितता पाए जाने पर सीएम के निर्देश पर चार अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप यह है कि मेरठ के ग्राम बिसौली में चकबंदी लेखपाल ने बिना विभागीय अनुमति लिए 1 मार्च 2019 को खरीदी थी जमीन और एमडीएम के आदेश पर भी कुछ नहीं माना इस आदेश को और विवादित जमीन का बैनामा करा दिया। जांच के बाद इन चारों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। प्रतापगढ़ में जहरीली शराब पीने के चलते एक परिवार के तीन लोगों की मौत की आशंका के मामले में एसपी आकाश तोमर ने उदयपुर एसओ को सस्पेंड कर दिया है। मरने वालों में दो सगे भाई और उनके मामा शामिल हैं। मामला उदयपुर थाना क्षेत्र के बाबा गांव कटियार का है। तीनों की मौत के बाद इलाके में हड़कंप है। और शामली के झिझाना क्षेत्र के गांव हसनपुर में दो सगे भाइयों समेत एक युवक को बड़ी बेरहमी के साथ लाठी डंडों से पीटा गया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। मारपीट रंजिश के चलते हुई होगी ये बताया। उधर सुल्तानपुर में सवारी बैठाने को लेकर दो ट्रांसपोर्टर आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते बीच सड़क पर दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी हो गई। मामला अखंड नगर थाना क्षेत्र के कुंद्रा भैरवपुर के गांव का है। यहीं पर अभय बस सर्विस और रामा बस सर्विस दोनों लोग सवारी बिठाने को लेकर आपस में भिड़ गए। इसी दौरान इन्हीं में से किसी व्यक्ति ने फायरिंग करके दहशत फैलाने की कोशिश की। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये घटना का वीडियो अगर कहीं सोशल मीडिया पर वायरल है।